हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर ली है और ज्योग्राफी में विस्तार और धरातल के पार्ट को दो भागों में फर्स्ट भाग ले लिया। आज सेकंड भाग काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और उसमें से हर साल मैंने हर एग्ज़ाम में प्रश्न देखा है, तो मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि एक एक प्रश्न को बहुत तरीके से सुनना और स्किप मत करना। लास्ट तक बहुत बेहतरीन प्रश्न लिए मैंने, कम से कम धरातल से मैं 180 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, तो आज भी 80-90 प्रश्न है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो पहला प्रश्न है मेवल देवल, जो 80 तक तो मैंने पूर्व में ले लिया था और सेकेंड पार्ट में मैं 81 से आगे ले रहा हूँ। मेवल देवल और कांठल का धरातल किस जिले में स्थित है? किसको मेवल कहते हैं, किसको देवल को और कांठल भी कहते हैं? तो दोस्तों, ये अपने दक्षिणी राजस्थान में प्रतापगढ़ वागड़ क्षेत्र को कहा जाता है, प्रतापगढ़ को। भैया से कामली घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा और हाथीगुड़ा की नाल जो कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुँचाने का काम करती है, गोरम घाट दर्रे में अपने एकमात्र अभी भी मैरोगेट जो है ट्रेन चलती है, काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसका संबंध राजसमंद और पारी के बीच में जोड़ने का काम करते थे। यहाँ आंसर राजसमंद सही हो जाएगा। तरियासी डोरा पर्वत, इसरोना इसराना, रोजा पाकर और झारोला, ये दोस्तों जालोर जिले की पर्वत है, और इनको एक ट्रिक से याद करना है, डो इस रोजा। इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रश्न काफ़ी तरीके से पूछे, सबसे ऊंचा भी डोरा ही है, उसके बाद क्रम से हम अवरोही अपने देखे, अपन अवरोही क्रम में देखे तो सबसे बड़ा डोरा पर्वत, फिर इस रोजा, फिर रोजा और फिर डो इस रोजा। ओके दोस्तों, 84 ये देखना वही प्रश्न आ गया, डो इस रोजा को मिला दो, डो यानी सबसे बड़ा, फिर इस, फिर उससे छोटा 839 हो जाएगा, रो यानी 730 और झारोला यानी, और सारे के सारे अपने जालौर जिले के पर्वत है। 85 छप्पन की पहाड़ियाँ, यहाँ छप्पन की पहाड़ियाँ पूछ रहा, राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जहाँ पीपलों अपना लघु माउंट भी है, तो ये बाड़मेर हो जाएगा दोस्तों। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और छप्पन के पर्वत उदयपुर। 86 छप्पन के पर्वत आ गया दोस्तों, जहाँ महाराणा प्रताप ने अपने संघर्ष के दिन गुजारे थे, वहीं पर इनकी बाड़ोली में इनकी छतरी भी है, तो यहाँ पर दोस्तों उदयपुर हो जाएगा। 87 छप्पन का मैदान आ गया दोस्तों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है, माई नदी द्वारा निर्मित है, और यहाँ पर ये बताना बांसवाड़ा। मध्य अरावली राजस्थान के किन जिलों में फैला? मध्य अरावली दोस्तों अजमेर और नागौर के बीच में, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। 89 दोस्तों, मध्य अरावली की सबसे ऊंची छोटी कौन सी है? एक शब्द याद रखना, मोताना, मो यानी मोराम जी, मो ता यानी तारागढ़, और ना यानी नाग की पहाड़ियाँ। सबसे ऊंची 1000 मोराम जी, फिर तारागढ़, फिर नाग की पहाड़ियाँ, तो मोताना ट्रिक्स याद रखना दोस्तों। 90 मेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किन रियासतों या धरातल का विभाजन करता है? दोस्तों मेवाड़ मारवाड़ का, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अरावली का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक फैला हुआ कौन सा है? अजमेर, मध्य अरावली दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ। 91 के उत्तरी, एक मिनट दोस्तों, मैं इसमें थोड़ी सी आपको चर्चा करके बताता हूँ कि अरावली का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक फैला हुआ। अगर फैले हुए की बात करें तो ये झुंझुनू वगैरह में सब जगह दोस्तों फैला हुआ उत्तरी अरावली हो जाएगा दोस्तों। 91 उत्तरी अरावली हो जाएगा, ठीक है ना, इसको उत्तरी अरावली ट्रिक्स करें आप, सर्वाधिक फैला हुआ। 92 कैल्साइट, एपेटाइट, पायराइट्स खनिज अरावली के किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों अरावली के उत्तरी अरावली में पाए जाते हैं, और ये सीकर में पाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर अरावली सबसे ज़्यादा फैला हुआ तो वैसे अजमेर बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर अंगुली नुमा जो है सबसे ज़्यादा, वह दोस्तों आपके उत्तरी अरावली हो जाएगा। यहाँ पर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो ये 1055 रघुनाथगढ़ हो जाएगी, लोहागल है 1051 है, ये दोस्तों याद रखना है, लेकिन यहाँ सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो आपके रघुनाथगढ़ हो जाएगा। ओके 94 दोस्तों, रूह इंद्र रघुनाथगढ़, मालखेत की पहाड़ियाँ और लोहागल, रुमाल शब्द याद रखना आप। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई मैंने बता दिया 1055 दोस्तों। 95 छोटी का मिलान करना है, 1055 रघुनाथगढ़, लोहागल हो गई 1051, खो हो गई दोस्तों 920, और भरोच हो गई 792। ये बहुत मोस्ट है दोस्तों, इसको वेरी मोस्ट में डाल देना। 96 त्रिकुट की पहाड़ी, तो त्रिकुट के पर्वत कहाँ, त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर, त्रिकुट पर्वत
करौली, स्वर्णगिरी जैसलमेर और सुवर्णगिरी जालौर, ये उपनाम है जो मिलान है दोस्तों। आगे जो बॉम्बई है दोस्तों, 97 का जो बॉम्बई है दोस्तों, ये आपका झुंझुनू हो जाएगा, बिलाली जयपुर हो जाएगा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधेपुर काकनवाड़ी हो जाएगा दोस्तों, ये अपना अलवर दोस्तों। 98 श्रीमाल, श्रीमाल भिनमाल को कहते हैं दोस्तों, बी हो जाएगा। अही छत्रपुर नागौर को कहते हैं, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा और कुबरपट्टी अजमेर नागौर को कहा जाता है। 99 दोस्तों मिलान वाले प्रश्न है, जांगल किसका उपनाम है, बीकानेर मांड जैसलमेर बांगड़ नागौर और सीवी चित्तौड़ दोस्तों। 100 मिलान वाले प्रश्न वापस, तोरावाटी कांतली नदी सेकावाटी का बेसिन क्षेत्र में है, सीकर चोरू झुंझुनू सपाट सवाई माधेपुर ऊपरमाल बिजोलिया रूमा या रूपक दोस्तों सांबर झील को कहा जाता है। 101 ढूंढाड़ जयपुर को, मेवात अलवर को, खेराड़ भीलवाड़ा को और माल खेराड़ टोंक को दोस्तों। 102 यहाँ पर देखना, मेरवाड़ा अजमेर राजसमंद और टोंक को मेरवाड़ा कहा जाता है, गिरवा क्षेत्र उदयपुर को कहा जाता है, चिड़िया टुक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग और बरड़ क्षेत्र जो है बूंदी को कहा जाता है दोस्तों। 103 उड़िया का पठार, यह आपका 1360 मीटर ऊंचा है, आबू का पठार। 120 यानी कि उड़िया का पठार आबू के पठार से 120 मीटर अपने 160 मीटर ज़्यादा ऊंचा दोस्तों। भोमट हो जाएगा तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और बोराट हो जाएगा, बोराट नहीं गलत मिला दिया दोस्तों, बोराट कोगुंदा कुंभलगढ़ और भोमट डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है ना, बोला सही था लेकिन मिलान थोड़ा गलत चल गया। 104 लसाड़िया ये जयसमंद के पास उदयपुर, मेसा का पठार चित्तौड़, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया, काकनवाड़ी का पठार अलवर दोस्तों। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के पठार किस नाम से दोस्तों, हाड़ोती के पठार के नाम से जाने जाते हैं। 106 दोस्तों हाड़ोती के पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है दोस्तों, ये बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ जहाँ से काली मिट्टी बनती है। हाड़ोती के पठार का ढलान किस है तो हाड़ोती के पठार का ढलान दोस्तों पूर्व, जैसे चंबल नदी है अपने कहाँ से, दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है तो उसी के आधार पर इसका ढलान पूर्व। क्रासका का पठार दोस्तों अलवर, मानदेसा चित्तौड़, उड़िया का पठार सिरोही और ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा दोस्तों। 109 ऊपरमाल का पठार मिल जाता है, मालवा के पठार में मिल जाता है दोस्तों, मालवा का पठार दक्षिण के पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है दोस्तों, तो इसके दो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठार के, एक तो आपका जो हो जाएगा ऊपरमाल का पठार और एक बोराट का पठार। ये अपना राजस्थान में विंदी का पठार तो थोड़ा मिलता है अपना दक्षिण में, लेकिन देखन का पठार नहीं मिलता दोस्तों, ऊपरमाल का पठार है और बोराट का पठार है। अरावली पर्वत किस प्रकार का, अरावली दोस्तों अवशिष्ट पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन है, अवशिष्ट पर्वत है, मोड़दार है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टाने किस प्रकार की, दो तीन बार आरएस में पूछा गया दोस्तों, सर्पिलाकार या सर्पाकार। जयसमंद झील के पूर्व के पठार दोस्तों लसाड़िया। 114 56 का मैदान पूछ रहा है तो मैदान हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 115 पूर्वी बेसिन का हिस्सा नहीं है, चंबल बेसिन है, लूनी नहीं है दोस्तों, ये पश्चिमी बनास का है, 56 का बेसिन भी है और बनास का बेसिन भी है दोस्तों। ओके, जालौर ग्रेनाइट की निर्मित पहाड़ियाँ किस पर, ये दोस्तों गुम्बंदाकार है, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 117 बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है, बीहड़ का निर्माण चंबल नदी करती है। 118 राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में, सवाई माधेपुर और इसके बाद धौलपुर दूसरे नंबर पर। उत्क्यात स्थलाकृति डांग राजस्थान में इस प्रकार की स्थलीय आकृति सर्वाधिक कहाँ पर दोस्तों, करौली, करौली में डांग और स्थला आकृति ज़्यादा है। स्लेट पत्थर राजस्थान में कहाँ से प्राप्त होता, अलवर से दोस्तों, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। लाल बलुआ पत्थर राजस्थान में कहाँ से, ये धौलपुर से मिलता है जिसको हम रेड स्टोन भी कहते हैं दोस्तों। अरावली व विंध्याचल पर्वत जहाँ मिलते हैं वहाँ ग्रेट बाउंड्री फोल्ड कहाँ बनते हैं जिसे संभ्रांति या संक्रांति भी कहा जाता है, ये सवाई माधेपुर में रणथंबोर दुर्ग के पास बनते हैं। 123 राजस्थान के किस शासक ने सबसे पहले 1520 में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए नाड़ी का निर्माण कराया था दोस्तों, राव जोधा।
124 हवा की दिशा और हवा के समानांतर बनने वाली आकृतियाँ जो है हवा कहलाती, हवा नहीं आकृतियाँ कहलाती दोस्तों, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुदैर्ध्य। टकरा के 90 डिग्री वो अनुप्रस्थ, बरखान अस्पष्ट और ताबड़तोबड़ बनती है, नुकसान भी ज़्यादा करती है नेवखा पौधे के पीछे। 126 बालू की वह आकृति जो सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है वह है दोस्तों बरखान। ये वेरी मोस्ट में डाल देना, बरखान सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है। झाड़ियों के पीछे बनने वाली अनियमित आकृति दोस्तों नेवखा हो जाए। सब्र काफिस भी है और नेवखा भी है, ऑप्शन द राइट कर देना आप, ठीक है ना दोस्तों? सब्र काफिस और नेवखा। हम्माद की आकृति कैसी है दोस्तों? हम्माद की जो आकृति वो त्रिभुजाकार है। थार का नकलिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों? थार का नकलिस्तान लाठी सीरीज को कहा जाता है। 130 निम्नलिखित में से कौन सी आकृति महा मरुस्थल में नहीं बनती? अनुदैर्ध्य बनती है, अनुप्रस्थ बनती है, बरखान बनती है, इसलबर्ग नहीं बनती है दोस्तों, ये पहाड़ों में लघु मरुस्थल में बनती है। पेड़ों के सामने बनने वाली आकृति, सामने जो बनती है पैराबोलिक, पीछे जो बनती है नेवखा। बालू का स्तूपों की वह श्रृंखला जो बीच में से कट फट जाती है इसको दोस्तों सीप कहा जाता है। 133 राजस्थान के किस जिले में रण और टाट बनते सर्वाधिक, यहाँ पर प्रश्न है, तो जैसलमेर हो जाएगा। 135 राजस्थान के किस जिले में सबसे बड़ा रण बनता है? थोब का रण दोस्तों बाड़मेर। 135 राजस्थान के पलाया झील में की जाने वाली खेती दोस्तों खड़ीन कहलाती है। ओके 136 निम्नलिखित में से कौन सी आकृति महा मरुस्थल में बनती है? हम्माद दोस्तों, हम्माद नहीं पथरीला चट्टान होता है, रण भी लघु में बनती है, लाठी भी लघु में, ईर्ग हो जाएगा जो प्योर रेगिला मतलब मरुस्थल है जिसको ईर्ग कहा जाता है दोस्तों। 137 लघु मरुस्थल की स्थिति है ये दोस्तों कच्छ से बीकानेर के बीच में इसकी स्थिति है दोस्तों। हम्माद की स्थिति, हम्माद दोस्तों त्रिभुजाकार है, पोकरण फलोदी और बालोतरा के बीच की स्थिति में बनते त्रिभुजाकार। जैसलमेर का पोकरण ऊपर फलोदी रह जाएगा और पश्चिम में दोस्तों बालोतरा रह जाएगा। एक त्रिभुज बना के आप पश्चिम की दिशा में पोकरण लिखिए, पूर्व की दिशा में बालोतरा, उत्तर की दिशा में फलोदी लिखना, वो हम्माद की स्थिति हो जाएगी। और हम्माद के चारों तरफ रेतीला स्थान है। मरुस्थल की वह कौन सी आकृति हवाओं की अनियमितता के कारण बनती है जो सर्वाधिक विनाशकारी? ये दोस्तों बरखान होती है जो अनियमितताओं के कारण बनती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी, सबसे ज़्यादा रेगिस्तान का बढ़ावा, रेगिस्तान को फैलाता है भाई बरखान ही है दोस्तों। नाली व पाट का निर्माण कौन से बेसिन? नाली और पाट दोस्तों गगर नदी करती है और ये गगर का बेसिन हो जाएगा। कुबड़ पट्टी और काबा पट्टी किस बेसिन से है दोस्तों? ये लूनी बेसिन का हिस्सा है, ठीक है ना, लूनी बेसिन का। वैसे देखना ये कुबड़ पट्टी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नागौर और अजमेर भी है तो ये लूनी बेसिन ही हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा। ओके ऑप्शन स ही राइट होगा। तोरावाटी बेसिन व गणेश्वर सुविधा किस बेसिन है? तो ये दोस्तों शेखावाटी बेसिन और कांतली नदी द्वारा निर्मित है। 56 के पहाड़िया लघु माउंट आबू पीपलूत नाकोड़ा भैरू किस बेसिन में? ये लूनी बेसिन से संबंधित है दोस्तों। ओके मोस्ट प्रश्न है 44 शेखावाटी बेसिन में कच्चे सोने के से बने हुए क्या कहलाते हैं दोस्तों? जौहर कहलाएंगे ये। 145 शेखावाटी बेसिन में बने तालाब को दोस्तों सर कहा जाता है। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो बीच में एक सेकंड के लिए रोक लो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कर दीजिए और अपने एक कम से कम एक दोस्त के पास जरूर इसका शेयर अपने शेयर करना इसको। 146 सोडियम सल्फेट से बनी खारी झील व फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध कौन सा दोस्तों? ये नागौर बेसिन हो जाएगा, सोडियम सल्फेट और खारे पानी। थार के रेगिस्तान में किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है दोस्तों? अवसादी चट्टाने पाई जाती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नमक ज़्यादा बनता है। 148 राजस्थान के किस प्रकार के धरातल में मरुद पौधे? ये जो मरुद पौधे शुष्क मरुस्थल, शुष्क जलवायु और थार के रेगिस्तान में। 149 महामरुस्थल व लघु मरुस्थल का विभाजन कितने सेंटीमीटर वर्षा करती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर वर्षा इन दोनों का विभाजन करती है, एक तरफ शुष्क दूसरी तरफ अर्ध शुष्क रह जाएगा। मिलान करना है जो थार का मरुस्थल है दोस्तों वो 61 पॉइंट, माँ मरुस्थल है 58.02 और लघु मरुस्थल 41 पॉइंट। ये वेरी मोस्ट है, इन तीन में से एक प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन का हिस्सा बनता रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बरसेंदड़ा व अजमेर के पास अरावली की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार दोस्तों। प्रश्न रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, बार बार रिपीट होने से याद रहेगा आपको। 152 अरावली की सही अवरोही क्रम, मतलब अवरोही क्रम सबसे छोटी पहले उसके बाद, तो सबसे बड़ी पहले, तो यहाँ पर देखना पहले मैं
गुरु शिखर बाद में ले लिया, स में भी गुरु शिखर बाद में, यहाँ गुरु शिखर पहले लिया, शेयर लिया लेकिन खो बीच में ले लिया। ऑप्शन ब की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शेयर बिल्कुल 1597, दिलवाड़ा 1441, जरगा 1430, अचलगढ़ 1380 दोस्तों। तो यही ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 153, जालौर में अरावली का कौन सा पर्वत स्थित नहीं है? डोरा है, इसरोजा है, झाकर है, छप्पन की पहाड़ी है दोस्तों बाड़मेर में। 154 दोस्तों, अरावली का सही अवरोही, यहाँ पर भी वही पूछ रहा है। तो देखना दोस्तों, पहले मैं भरोच आ गया, नहीं बाद में लोहागल आ गया, यहाँ लोहागल पहले, तो बीच में भरोच आ गया। लोहागल यहाँ सही है 1051, खो यहाँ पर भी सही है 920 और 792, यही ऑप्शन सही है सबसे बड़ा, फिर छोटे की ओर बढ़ना। अवरोही पूछा, यहाँ आरोही क्रम पूछा 155 में, आरोही क्रम मतलब छोटा सबसे पहले। तो लोहागल देखना, भरोच हो गया, खोआ हो गया, लोहागल हो गया, रघुनाथगढ़ दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं यही ऑप्शन नज़र आ रहा 155। फिर भी दोस्तों इस पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं अपन, और यही सबसे पहला ही सही है, भरोच, खो, लोहागल और रघुनाथगढ़। हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी का निर्माण, दोस्तों हाड़ौती के पठार का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ और बैसाल्ट से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ। हाड़ौती के पठार का ढलान दोस्तों स्वाभाविक है, चंबल नदी प्रवेश करती है फिर पूर्व की ओर बढ़ती है, तो ये दक्षिण से पूर्व की ओर इसका ढलान। यहाँ अवरोही क्रम पूछा दोस्तों, यहाँ देखना अवरोही क्रम मतलब सबसे छोटा पहले और उसके बाद सबसे बड़ा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अवरोही, अवरोही यानी कि सबसे बड़ा, तो राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर 1360 पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा उड़िया का पठार। ओके, फिर 1200 पे आबू का पठार, फिर भोमट का पठार, फिर मेसा का पठार, यही सही ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार दोस्तों ये उदयपुर हो जाएगा, मेसा का पठार चित्तौड़ हो जाएगा, उपरमाल का पठार बिजोलिया हो जाएगा, मानदेसरा का पठार चित्तौड़ हो जाएगा दोस्तों। 160 और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, आज दिल से सब्सक्राइब कर लेना। बोराट यानी कि गोगुंदा कुंभलगढ़, जहाँ पर हल्दीघाटी का युद्ध, जहाँ पर बनास नदी का उद्गम, भोमट डूंगरपुर बांसवाड़ा काकनवाड़ी अलवर। नमस्ते दोस्तों, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।